वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे जो ज़्यादातर बच्चों के कन्फ्यूज़न हो रहा है आजकल कि अगर एग्ज़ाम नहीं हुए तो क्या होगा, और अगर प्री बोर्ड मार्क्स एक्सेप्ट किए गए बोर्ड द्वारा और बोर्ड जो मार्कशीट में जो आपके मार्क्स आएंगे अगर वो प्री बोर्ड मार्क्स डाले गए तो ये सबको मालूम है, आपको मालूम है, मेरे को भी मालूम है कि प्री बोर्ड के अंदर आमतौर पर बच्चों के कम मार्क्स आते हैं इन कंपेयर टू बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड के अंदर मतलब प्री बोर्ड के अंदर 60-65 मार्क्स अगर आते हैं बच्चों के तो बोर्ड के अंदर उन बच्चों के आमतौर पे 90 प्लस मार्क्स आ जाते हैं। यही प्रॉब्लम हो रही है जो मैंने पिछला वीडियो मैंने डाला था उसके अंदर ज़्यादातर बच्चों की यही क्वेरीज हैं कि अगर प्री बोर्ड हुआ तो सर ये क्या ये हो जाएगा, मार्क्स हमारे कम आएंगे, ये होगा। तो आज इसी इशू के ऊपर मैं आपको बात करने वाला हूँ ताकि मतलब कोई कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में ना रहे, तो इसी पे आगे हम बात करेंगे आज के इस टॉपिक में। चलो देखते हैं आज का वीडियो। हम लोग बात करेंगे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो प्री बोर्ड के मार्क्स अगर ऐड किए गए आपके बोर्ड मार्क्स के अंदर या बोर्ड की मार्कशीट के अंदर अगर प्री बोर्ड के मार्क्स आए तो क्या होगा, क्या वही मार्क्स जुड़ेंगे जो आपके प्री बोर्ड में आए थे या उसमें कुछ चेंज होगा। तो एक्चुअल में मैं आपको बता दूं ऐसा होता नहीं है। आप लोगों ने क्रिकेट के मैच देखे होंगे कई जो इनकम्प्लीट रह जाते हैं बारिश के मारे, और उसके बाद में डैंकवर्ड लुइस सिस्टम लागू होता है तो एक्चुअल में जो स्कोर होता है वो चेंज हो जाता है, उसके अंदर काफ़ी कुछ ऐड हो जाता है या घट जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत कम ओवरों में ज़्यादा रन चाहिए होते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा ओवरों में कम रन रह जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि दूसरे वाली टीम कैसे खेल रही थी, बाद में कैसे खेल रहे थे, उनके विकेट कितने गिरे थे। तो यही सिचुएशन आपके साथ होगी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। अगर आपके प्री बोर्ड मार्क्स आपने देखे, जैसे आपने देखा है कि सिर्फ उन सब्जेक्टों के नहीं मांगे हैं जो सब्जेक्ट बाकी रह गए हैं जिनका एग्जाम होगा, किन सब्जेक्टों के मांगे गए, पूरे के पूरे सब्जेक्टों के मांगे गए। अब यहाँ पर क्या करा जाएगा, अब जो आपके एक्चुअल मार्क्स निकालने के लिए कई टेक्निक्स यहाँ पर हो सकती हैं, और जो मैंने अब तक जो विचार आया है, जो मेरे को इधर उधर जो भी मेरी डिस्कस हुई है लोगों के साथ में और बहुत सारे लोगों के साथ में डिस्कस होती है जो कि मेरे सब्जेक्ट कुलीग्स हैं या मेरे स्कूल कुलीग्स हैं, कम से कम 2-3 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनके साथ हमारी बातें होती रहती हैं टीचरों के साथ में। तो जो टोटल हम लोगों ने एक आइडिया जो लगाया है जो होने वाला है वो ये है कि आपके जो सारे मार्क्स प्री बोर्ड के मांगे गए हैं और दूसरे सब्जेक्टों के जिनके एग्जाम आपके हो चुके हैं तो उनमें कितना डिफरेंस आया। जैसे आपका मैथ का एग्जाम हो गया एग्जाम्पल, और मैथ में आपके प्री बोर्ड में 60 मार्क्स आए और एग्जाम जो फाइनल हुआ उसके अंदर करेक्शन के बाद आपके 90 आ गए, तो 30 मार्क्स का डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह से बाकी जो पेपर अभी हो चुके हैं आपके उनके अंदर प्री बोर्ड में कितना डिफरेंस आपका आ रहा है, कितना आप ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं, ये चीज़ बहुत मायने रखेगी। जैसे मैंने आपको बताया क्रिकेट के अंदर डैंकवर्ड लुइस सिस्टम जो होता है, इसी तरह से यहाँ पे भी ये होगा कि आपके जो अब तक एग्जाम जो हो चुके हैं उनमें आपने कितना बड़ा गैप लिया है, कितनी आपने प्रोग्रेस करी है, अकॉर्डिंग टू दैट इट विल डिसाइडेड। और आपका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो जितना गैप होगा उतना ही उस हिसाब से उनको कैलकुलेशन करके और एक सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें आपके मार्क्स आएंगे। और ये हमेशा सबको मालूम है कि प्री बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स बच्चों के नहीं आते हैं, और बाद के अंदर बोर्ड के अंदर प्रिपरेशन भी ज़्यादा होती है, एकदम से बच्चे मेहनत भी ज़्यादा करते हैं। और आम तौर पे अगर मैं आपको बोलूँ सच्चाई ये है कि जो प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होता है उससे बोर्ड के क्वेश्चन पेपर भी ईजी आते हैं। पेपर जो हम लोग प्री बोर्ड के बनाते हैं वो कंपेरिजन टू डिफिकल्ट होते हैं इन कंपेयर टू फाइनल बोर्ड एग्जाम, तो इसलिए भी वहाँ पर वो फर्क पड़ता है। तो दूसरा करेक्शन का भी डिफरेंस होता है, तो कई चीज़ें होती हैं जिससे प्री बोर्ड के मार्क्स आपके कम होते हैं। लेकिन अब जो होगा, जो आपके मार्क्स मंगाए गए ये बोर्ड अच्छे तरह से अवेयर है उसका, वो नुकसान नहीं करने वाला, उनको मालूम है वो, इसीलिए मैंने आपको जैसे एक तरीका फार्मूला बताया, ये फार्मूला हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर एग्ज़ाम होंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, तब आप अच्छे से मेहनत कर ही रहे हो। और अब तक मैं एक आपको ये वार्निंग फिर दे दे रहा हूँ अब लास्ट में इस वीडियो में कि अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर 1% भी चांस जब तक रहता है तब तक आप ढीले मत पड़िएगा, परमानेंट आप लगातार अपनी तैयारी रखिए, कोई बात नहीं 15 दिन की और बात है,
अच्छे से तैयारी करते रहिए ताकि आप एग्जाम के अंदर आपको नुकसान नहीं हो अगर एग्जाम हुआ तो। लेकिन अगर नहीं हुआ तो जो आपकी अब तक जो कन्फ्यूजन था वो मैंने दूर करने के लिए आज ये वीडियो बनाया है। तो बिल्कुल कन्फ्यूज ना होइए, बिल्कुल अच्छे से रहिए, खुश रहिए। चाहे प्री बोर्ड का मार्क्स अगर लिए जाएंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि वी आर टीचर, वी आर विद यू। कोई भी नुकसान कोई भी टीचर आपका होने नहीं देगा, चाहे वो स्कूल मार्क्स भेज रहा है वो भी नहीं होने देगा। और बोर्ड भी हमेशा बच्चों के साथ रहता है, ये हमने पहले देखा है। जो बोर्ड का करेक्शन होता है तो हमेशा वहाँ पे पॉजिटिव मार्किंग होती है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चीज़ होगी, कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके साथ नहीं होगी। अगर प्री बोर्ड के भी जुड़ेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं, तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खुश रहिए बिल्कुल। और हाँ, ये ध्यान रखिए कोविड से बचने की, यही तो सारी बात हो रही है एग्जाम कैंसिल होने की। तो अगर उसमें घर पे रहिए, बच के रहिए, खुद भी बचिए और अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को, फैमिली मेम्बर को साथ में बचा के रखिए। धन्यवाद।